कांग्रेस नेता और चौधरी देवीलाल के पुत्र रंजीत चौटाला ने चौटाला परिवार की लड़ाई पर टिप्पणी करने से मना कर दिया है। अलबत्ता उन्होंने चौटाला परिवार के सदस्यों को अपनी स्वार्थों की लड़ाई में चौधरी देवीलाल के नाम का उपयोग करने से गुरेज करने की सलाह दी है। रंजीत सिंह ने कहा कि चौधरी देवीलाल का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। एक समय उन्होंने पूरे देश की राजनीति का ध्रुवीकरण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। रंजीत सिंह ने कहा कि चौटाला परिवार को अपने को ओम प्रकाश चौटाला तक ही सीमित रखना चाहिए। कांग्रेस नेता रंजीत सिंह ने कहा कि जल्दी ही वे मीडिया के सामने इस लड़ाई के संबंध में बड़ा खुलासा करने का इरादा रखते हैं। एपिसोड पिछले 10 दिन से देख रहे हैं, मीडिया में, टेलीविजन में, हर जगह मेन लीड न्यूज यही हो रही है। देवीलाल की बहुत बड़ी विरासत थी। देवीलाल पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को ध्रुवीकरण करने का काम किया था। मुझे याद है उन्होंने, राजीव गांधी ने जब दोनों की मीटिंग तय हुई थी तो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति बदल गई थी। सब मुख्यमंत्री बाहर से घूम गए थे। आज उन चौधरी देवीलाल की बात पे चर्चा हो रहा है, नहीं तो कहीं चर्चा नहीं है। अब देख रहे हैं बच्चे जब बात करते हैं तो कभी नहीं कहते ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हम चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, चौधरी देवीलाल के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल बहुत बड़ी शख्सियत थे। आज पूरे राजनीति को बंटाधार कर रहे हैं, वो भी लगे हैं, ये भी लगे हैं। हमें तो यही है कि इस सारे एपिसोड में चौधरी देवीलाल का नाम आ रहा है, उस पर जो चौधरी देवीलाल का भगत है उसे पीड़ा हो रही है। चौधरी देवीलाल बहुत बड़े आदमी थे, इनकी आपस की लड़ाई में उनका नाम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओम प्रकाश जी तक रहते तो ठीक था, पर जो कुछ भी है सारा फाइनल मैं समझता हूँ 17 तारीख को ये क्या करता है, उसके बाद मैं खुल के कुछ बातें जो मैं टीवी मीडिया में सामने कहूँगा। मैं कांग्रेस हूँ, कांग्रेस में रहूँगा, कांग्रेस सरकार बनाएगी, कांग्रेस हमारी है और राहुल जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। हमारी सीट 60 से कम नहीं, अगर ऐसे झगड़े इनके और हुए तो 10 हमारी और बढ़ेगी। तो देखिए हमारे बच्चे हैं कल के, अभी उन्हें हम क्या कहें। अभी तो उसने क्या MP बनाया ना, एक बार अभी तो हाउस में लास्ट बेंचेज पे बैठे हैं, पार्टी के 2 MP है तो एक बार बोलने का मौका मिलता है, इससे ज़्यादा क्या कहें। पार्लियामेंट मधुली में की थी, पार्लियामेंट चौधरी देवीलाल की थी, पार्लियामेंट नाथफाई की थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, चंद्रशेखर थे, उन लोगों के उन्होंने सेंचुरी बनाई। उनके बराबर आप दुष्यंत कल का बच्चा है, मैं नहीं समझता अभी कोई उस पर इतना चर्चा करने की बात है। जो कुछ भी आप बता रहे हैं वो आपके चैनल से मैं देख रहा हूँ, अभी किस बात पे कितना भरोसा करा जाए। वो ये कह रहे हैं कि उनके दस्तखत नहीं है, ये कह रहे हैं हमें निकाले जा रहे हैं। अब ये बच्चों का मामला है, आपस में कर रहे हैं, नादानी की बातें मैं समझता हूँ दोनों तरफ से। अभी इस पर कोई पुख्ता प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं। सारा दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी